अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले मोटोरोला मोटो G71 5G का FRP बाईपास। जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है। सबसे पहले हम अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो वाईफाई कनेक्ट हो गया है। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे ब्राउज़र को एक्सेस करें, ब्राउज़र को ओपन करें, साथ ही साथ ब्राउज़र से होते हुए हम फ़ोन की सेटिंग तक जाए और उस तरह से हम आगे चल के FRP बाईपास करेंगे। ठीक है, तो टॉप बैक को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड वॉल्यूम अप एंड डाउन को दबा के रखना है। टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वापस से वॉल्यूम अप एंड डाउन को दबा के रखना है। टॉगल चालू हो जाएगा। फिर हमारे को L बनाना है। L बनाने के बाद वॉइस कमांड आता है, वो टर्न ऑन ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो ये वाला मेथड तो काम नहीं करेगा लगता है। सो हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। एड नेटवर्क में जाते हैं वाईफाई के और वहाँ पे www.youtube.com लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला मेथड भी इसमें काम नहीं कर रहा है। और तीसरा मेथड है इमरजेंसी में जाके और यहाँ से फ़ोटो वगैरह होके अंदर घुसना, तो ये वाला मेथड भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आखिर में हम देख लेते हैं सिम लॉक वाला सिस्टम काम करता है कि नहीं। तो एक लॉक सिम मैंने लगा लिया है और अभी इसको इजेक्ट करेंगे, साथ ही साथ पावर को प्रेस करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन लॉक हो जाएगी। और यहाँ से हम फोटो क्लिक करके शेयर करके या फिर और दूसरा मेथड से ब्राउज़र में जा सकते हैं या फ़ोन की सेटिंग में जा सकते हैं। तो ये वाला मेथड भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा लगता है। एक बार वापस से ट्राई कर लेते हैं, वापस से दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से लॉक स्क्रीन काम करता है। सिम लगाया मैंने, सिम इजेक्ट किया, साथ ही साथ पावर को प्रेस किया तो इस तरह से लॉक स्क्रीन हो गई। अब वो यहाँ पे स्टेटस बार को नीचे लाने पे कोई तो भी मीडियम नहीं दिख रहा है ब्राउज़र या फिर सेटिंग तक जाने का। सो ये वाला मेथड भी काम नहीं कर रहेगा। वापस से अब देख लेते हैं एक बार वापस से टॉकबैक काम करता है कि नहीं। टॉकबैक में ऑन करता हूँ वॉल्यूम अप एंड डाउन, इस बार उल्टा L बनाएंगे। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हो वॉइस कमांड का ऑप्शन आ चुका है, यूज़ वॉइस कमांड। फिर हमारे को कहना है ओपन गूगल असिस्टेंट। ठीक है, ये कहते ही इस तरह का आ जाएगा गूगल असिस्टेंट। तो हमारे को बोलना है ओपन यूट्यूब, तो बोलते ही यूट्यूब फर्स्ट से खुल जाएगा। तो वापस से हमें टॉकबैक ऑफ कर देना है वॉल्यूम अप एंड डाउन की मदद से। इसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे और सर्विस इसके अंदर जाएंगे। तो इस तरह से हमारे को ब्राउज़र में रीडायरेक्ट करा दिया जाएगा। तो ब्राउज़र में जाते ही अपने को सर्च करना है VN ROM आ जाएगा। तो पहली साइड दिखती है, इसे क्लिक करना है, अंदर जाना है। तो इस तरह से कुछ पेज खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से सेटिंग में जाते हैं, फ़ोन के सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह क्या है अबाउट में जाकर। ठीक है, तो अब देख सकते हो सॉफ्टवेयर वर्जन इसके अंदर एंड्रॉयड 12 चल रहा है। सिक्योरिटी पेज भी लेटेस्ट समझिए अप्रैल 1, 2022 का है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर का सिस्टम है इसके अंदर। तो देखते हैं कि इसके अंदर पैटर्न लॉक लगता है कि नहीं, सिक्योरिटी ये लॉक लगता है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर पैटर्न लॉक वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। सो अब दूसरा मेथड देख लेते हैं कि इसके अंदर ऐप्स के अंदर जाके हम डिसेबल वगैरह कर सकते हैं कि एंड्रॉयड सेटअप ऑटो या प्ले सर्विस को डिसेबल करके हम FRP बाईपास कर सकते हैं या नहीं। सो आप देख सकते हो कुछ भी चीज़ यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, कोई भी ऐप्स ओपन नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि अब फ़ोन रीसेट होएगा। सो सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम में जाकर देखते हैं कि रीसेट का ऑप्शन क्लिक हो रहा है। नहीं नहीं दोस्तों, रीसेट भी नहीं हो सकता है फ़ोन। तो इस तरह से ये फ़ोन का है कुछ तो भी मसला है जिसकी वजह से ये फ़ोन FRP बाईपास आसानी से नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देखते हो एंड्रॉयड ऑटो, एंड्रॉयड सेटअप या फिर गूगल प्ले सर्विस कुछ भी ओपन नहीं हो रही है, कुछ भी आप उन डिसेबल वगैरह नहीं कर सकते हैं FRP बाईपास करने के लिए। इसके बाद एक ही चारा रह गया है कि हम बार बार पैटर्न डालें जिसकी वजह से ये हो सकता है कि खुल जाए। पुराने फ़ोन्स में कुछ ऐसा होता था कि वापस अगर आप पैटर्न डालते जाओ कई बार ट्राई करने पर खुल जाता है। सो यही चीज़ आप करने करके देखने वाले हैं।
सो मैं बार 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 एक ही पैटर्न डालूंगा जिसकी वजह से पोस्ट अप लगेगा या फिर ये क्रैक हो जाएगा। सो आप देख सकते हो मैं बार 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 एक ही पैटर्न डाल रहा हूँ, एक ही पैटर्न डाल रहा हूँ, काम तो नहीं बन रहा है। 8 से 10 बार डालना है आप लोग को भी। सो जैसा कि आप देख सकते हो इस बार ही हमारा काम हो गया, यस आई एम इन का ऑप्शन दिखाई दिया है। सो अब हमारा FRP बाईपास समझो हो चुका है। वॉल सेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पैटर्न लॉक लग गया कि नहीं। स्क्रीन ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये पैटर्न लॉक लग चुका है, ठीक है। सो आई होप कि अब इसे FRP बाईपास इसका हो जाना चाहिए। बैक लेते हैं फटफट से, बैक लेते हैं, बैक लेते हैं। होम स्क्रीन पे आ चुका है, नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज़ ऑफ करते हैं, सारी बकवास चीज़ें ऑफ करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। डोंट कॉपी, वेरीफाई करना है। सो जैसे कि आप फ्रेंड देख सकते हो गूगल FRP बाईपास हो चुका है, स्किप का ऑप्शन आ चुका है, स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। वापस से वेरीफाई मांग रहा है, वेरीफाई कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके। ये दोनों चीज़ वो भी ऑफ करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ऑल सेट। तो फ्रेंड जैसे ही आप देख सकते हो कि हमारा परफेक्टली कामयाबी के साथ FRP बाईपास हो गया है इसी Moto G71 फ़ोन का। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मोटोरोला के कुछ फ़ोन जो होते हैं उनको किस तरह से FRP बाईपास करना है। नॉर्मल मेथड काम नहीं करते हैं तो आपको भी जिद पे आ जाना है, वापस से ट्राई करना है पैटर्न डाल डाल के 8 से 10 बार या 15 बार 20 बार हो सकता है ट्राई करना पड़ जाए, लेकिन इस तरह से आपका FRP बाईपास हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।